हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी ब्यूटी किंग का फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिंपल पजामा विद पॉकेट। तो आज हम आपको स्पेशली ये चीज़ दिखाएंगे कि पॉकेट में पजामे में पॉकेट कैसे लगाते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आपको वीडियो ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हमें सिंपल पजामे के लिए 2 से 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि हमें पॉकेट भी लगानी है, तो ये हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। और पजामे के जो मेजरमेंट चाहिए वो मेजरमेंट ये है, लेंथ है 42, हिप है 36 और मोरी है 8। तो पजामे के लिए मेरे 3 मेजरमेंट चाहिए होते हैं, पॉकेट का कोई मेजरमेंट नहीं होता। वो मैं आपको बाद में बताऊँ कैसे कटिंग करनी है, उसके लिए मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने हमारे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, तो दिखाती हूँ कैसे किया है। ये पहले हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है, देन इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है। तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसमें हमारे मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। पहले हम ऊपर 2.5 इंच छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा इलास्टिक में जाएगा, तो हमें 2.5 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद जो हमारी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे हम। हमारी लेंथ है 42, तो ये हम 42 लेंगे। देन हम नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे का जो फैब्रिक हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे वो हमारा फोल्डिंग हो जाएगा, तो ये हम 44 लेंगे। ये हमारा पूरा फैब्रिक ही उतना ही है, तो हमने नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम लगाएंगे हिप का जो मेजरमेंट चाहिए होता है हमें, तो हिप के जो चाहिए होता है हमारे हिप है 36। 36 का 1/3 करेंगे 12 आएगा, तो ये हम पहले 12 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए, और फिर उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो हमने 1/3 करके 1 इंच आगे प्लस दे लिया एक्स्ट्रा। तो अब इसके बाद हम जहाँ पे हमारे 2.5 इंच वाला निशान ख़त्म हो रहा था, यानी जो हमने ऊपर 2.5 इंच छोड़ा है, उसके बाद से हम 11 या 12 इंच पे हम हमारा जो इलास्टिक लगा डाल सॉरी जो आसन होता है यानी जो सीट होती है उसका निशान लगाएंगे। तो हमने 12 इंच पे लगा लिया है, ये 11 इंच पे भी लगा सकते हैं हम, इसके हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 2.5 इंच जो भी हमारा हमने यहाँ पे जहाँ पे हमारा निशान ख़त्म हुआ है उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, यानी कि टोटल आता है अगर हमारे यहाँ पे 13 है, 1/4 करके 1/3 करके 12 आता है, एक इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 13 आता है। अगर यहाँ पे हमारा 13 है तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 16 पॉइंट समथिंग। तो ये हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हम हमारा लगाते हैं मोहरी का निशान। हमारी जो मोहरी है वो हमें चाहिए 8 इंच की। अब इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप उसको फिर लूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल पजामा है और सिंपल पजामे मोस्टली लूज ही होते हैं, इसलिए इसको लूज लेंगे। अभी ये देखिए हम 1 इंच पे हम इसकी गोलाई कर देंगे, ये देखिए 1 इंच पे। अगर आपको नीचे से मोहरी कम चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे कम करके और ऐसे शेप में निशान लगा देंगे। तो इसमें मैंने नीचे से खुला रखा है थोड़ा, तो मैं उसको ज़्यादा लूँगी। अगर आप नीचे चाहे तो नीचे सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन ले लीजिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पे ध्यान दें हमने 1/3 किया है, देन 1 इंच प्लस किया है, और यहाँ पे हमने 1/3 में यानी 12 और 13 में हमने 13 में 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। वैसे भी नीचे से कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पूरा ही आया है। अब हम इसको ऊपर से इस जॉइंट को अलग कर देंगे। इससे पहले मैंने 2 पजामे बताए हैं, एक नाइटी पजामा और एक सिंपल पजामा, तो अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब मैं इस बचे हुए कपड़े से पॉकेट निकालूंगी। तो ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम हमारी पॉकेट के निशान लगाएंगे।
इसको वैसे डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसमें हम ऊपर से इसको इक्वल कर लेंगे। हमारा इक्वल नहीं है, ये देखिए इक्वल, ठीक है। इसको वैसे डबल फोल्ड करेंगे, देन हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगाएंगे, देन हम लगाएंगे 6 इंच का निशान, और अगेन हम लगाएंगे 7 इंच का निशान। पहले 2 इंच का, फिर 6 इंच का, फिर 7 इंच का। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये हमने ऐसे ही लगाते हैं पॉकेट के लिए, यही मेजरमेंट सही रहता है। अगर आपको पॉकेट को ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप यहाँ पे 8 इंच ले लीजिए। वैसे 7 इंच में पॉकेट बहुत लंबी बन जाती है, मतलब सही बन जाती है। अब देखिए ये जो कपड़े की जो हमने ब्रेथ ली है वो भी हमारी 6.5 है, यानी हमने जहाँ पे यहाँ पे 6 लिया है उतना ही यहाँ पे भी हम ले लेंगे 6 या 6.5। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, एक पॉकेट के जैसे हम इसको शेप देंगे। अब चाहो तो निशान सीधा लगा कर भी आप ऐसे शेप दे सकते हो। ये देखिए 2.5 या 3 इंच पे हमारी शेप आती है, 3 इंच पे आ रही है। इसको हमें ऐसे करना है, जो हमने ऊपर से 2 इंच छोड़कर जो निशान लगाया था उस निशान से मैच कर देंगे, और फिर हम इसको ऐसे कट कर देंगे। ये हमारी एक ही पॉकेट है, हमें एक पॉकेट और कट करनी है। अगर आपको एक ही साइड पॉकेट लगानी है तो फिर आप एक ही कट कीजिए, वरना ये मैंने सिंगल पॉकेट इसलिए कट की है क्योंकि मुझे दोनों साइड पॉकेट लगानी है। तो ऐसे ही मैं इसी को रखकर मैं दूसरी पॉकेट भी कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी पॉकेट, ये एक पॉकेट है और ये एक पॉकेट है, तो हमारी 2 पॉकेट कट हो गई हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इनको स्टिच कैसे करना है। तो ये देखिए हमारा पजामा है जो हमने कट किया था, इसको हम बीच से भी कट कर देंगे। हम दोनों पार्ट को ऐसे बीच से कट कर देंगे क्योंकि हमें पॉकेट लगाने के लिए पार्ट बीच से कट करना पड़ेगा, तो आप दोनों पार्ट को ऐसे बीच से कट कर लीजिए। तो ये देखिए जो हमने पार्ट को कट किया था उसको हम ऐसे रखेंगे, जहाँ से हमने कट किया था हमें वैसे ही उसको वापस से जॉइंट करना है। लेकिन इसको मैं जॉइंट करने से पहले इसमें पॉकेट लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए मैं इसको एक पार्ट को मैं ऐसे, तो अब हमारी पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए हमें जो निशान लगाने हैं वो ऐसे लगाने हैं। ऊपर हमें लास्टिक जो हमें 2.5 इंच का कपड़ा लिया था वो हम 2.5 इंच का हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम 2 इंच फिर छोड़ेंगे। ये हमने 2.5 इंच छोड़ दिए, ये हमने 2 इंच छोड़ दिए। ये 2.5 इंच हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमने लास्टिक में जाएगा, और ये 2 इंच इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि हम पॉकेट थोड़ा नीचे से लगाते हैं। अब 2 इंच के बाद हम 6 इंच का निशान लगाएंगे जो हमने पॉकेट में लगाया था, और अब हम इसमें हमारी पॉकेट रखेंगे। तो देखिए ये हमें ध्यान रहे सीधी साइड की तरफ रखना है। तो ये देखिए हमारा जो 6 इंच 2 इंच का निशान है वहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, हमारा 6 इंच का निशान यहाँ पे आ रहा है और ये हमारा निशान यहाँ पे। तब देखिए यहीं पे मैं सिलाई सिलाऊंगी। पहले 1/2 इंच सिलाई में ऐसे सिलाई है, अब स्ट्रेट सिलाई चलाऊंगी, अब फिर से मैं 1/2 इंच वैसे ही चलाऊंगी। तो ये देखिए हमारी सिलाई चल गई है। अब मैं इसको ऐसे दोनों कॉर्नर्स पे कट लगा दूंगी और 2 कट में मिडिल में भी लगा दूंगी। ध्यान रहे हमारा थ्रेड नहीं कटना चाहिए, और इसको मैं इसे अंदर की साइड फोल्ड करूंगी।
इसके ऊपर हम ऐसे टॉप स्लाइस लाएंगे। तो ये देखिए हमारी पॉकेट इस साइड पे उल्टी साइड पे आ गई है। ऐसे ही मैं हमारे इसका जो इसके साथ का जो पार्ट है, यानी आप रख के देख लीजिए जो ऐसे का पार्ट हो, ये देखिए देखिए जो मैं इसे कपड़े को रखेंगे तो दोनों साइड एक साइड मैच हो रही हो, सीधा साइड अंदर जा रहा हो उल्टी साइड बाहर हो, तो हमारा मतलब हमारा दूसरा पार्ट इसका ये है। तो इस पर भी हम ऐसे सीधी साइड में हमारा हमारी जो पॉकेट होगी हम वो लगाएंगे। तो उसके लिए हम निशान लगा लेंगे, टू पॉइंट फाइव इंच हम पहले छोड़ देंगे ऊपर ही, फिर हम दो इंच छोड़ेंगे और उसके बाद हम सिक्स इंच पे निशान लगाएंगे। जो हम इस पर हमारी पॉकेट रख देंगे, तो ये देखिए हमारा सिक्स इंच पे निशान था। अब हमारे पॉकेट को यहाँ पे ऐसे ही बना लेंगे जैसे मैंने उस पर बनाई थी, हाफ इंच का निशान लगाकर, सॉरी सिलाई लगाकर। इसमें भी हम वैसे ही हाफ इंच की सिलाई सिलाएंगे। ये जो हमने सिक्स इंच का निशान लगाया है, ये पॉकेट में सिक्स इंच से कम नहीं होना चाहिए। अगर सेवन इंच हो जाए तो चलेगा, लेकिन सिक्स से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो साइड है ये पॉकेट के अंदर हाथ डालने वाली साइड है। अगर सिक्स इंच से कम रहेगा तो पॉकेट में हम हाथ डालने आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं इस पर भी टॉप स्लाइस ला दूँगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर शुरू कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस शुरू कर दीजिए, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारी पॉकेट लग गई है। ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट की पॉकेट लगा लूँगी, लेकिन पहले मैं आपको इसको जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक पॉकेट हमारी ये है और एक पॉकेट ये है, तो दोनों पॉकेट को हम ऐसे रखेंगे और हम इसको जहाँ से बीच से कट किया था उस साइड को हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे जो हमारी पॉकेट है, हम उस पर जहाँ पे हमारा कट था यानी सिलाई को जो कट रहेगा वहाँ से हम सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे और पॉकेट को हम साथ में स्टिच करते चलेंगे। अगर हम पॉकेट को बाद में स्टिच करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम इसको साथ में ही स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमें स्टेज सिलाई चला लेंगे। ये जो सिलाई चलाएंगे हम हाफ इंच का गैप छोड़कर ही चलाएंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉकेट लगाने के लिए ही हमने इसको अलग किया था। अब इसको हम वापस से जॉइंट कर देंगे। तो अब हमारी पॉकेट जो हमारी होगी वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी पॉकेट, तो ऐसे हमारी पॉकेट रेडी है। ये देखिए ऐसे ही हमारे दूसरे पार्ट को भी हम लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट बन के रेडी है। अगर आपको इससे भी लॉन्ग पॉकेट चाहिए तो आप ये जो मैंने सिक्स इंच के निशान के बाद जो हमने 6.5 इंच या 7 इंच लिया था उसको आप 8 इंच ले लीजिए, लेकिन इससे बड़ी पॉकेट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी पॉकेट काफ़ी बड़ी है जो जितना पॉकेट पजामे होनी चाहिए। तो हमारी पॉकेट देखिए लग गई है और इसमें कोई कपड़ा या थ्रेड नज़र भी नहीं आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। तो आप इसको साथ में ही ऐसे स्टिच कर लीजिए।
ऐसे ही मैं मेरी दूसरी पॉकेट को भी अटैच करूँगी। तो ये देखिए मैंने बैक वाले पार्ट में हमारी पॉकेट लगा ली है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। अब हम जो साइड जो जॉइंट कर रहे हैं वो हमारी वो साइड है जो हमने बीट का ऊपर निशान लगाकर कट किया। ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड से भी जॉइंट कर लेंगे। अब इसका हम जो नेफा होता है इलास्टिक डालने के लिए वो बनाएंगे। तो इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मैं तो आईडी से अंदाज़े से फोल्ड करूँगी जितने मेरे को इलास्टिक आएगा, लेकिन आप अपना मेजरमेंट से फोल्ड कर लीजिए। जो मैंने 2.5 इंच लिया था वो फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये हमने जो ऊपर से 2.5 इंच और 2 इंच छोड़ा था इसलिए छोड़ा था क्योंकि देखिए अगर हमारी पॉकेट हम ऊपर लगाते हैं तो पॉकेट अंदर नेफे में दब जाती है। देखिए यहाँ पे हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे कि बाद में हमें यहाँ से इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के बाद ही सिलाई हम वापस लगा देते हैं। तो इलास्टिक कैसे डालते हैं ये मैंने आपको पहले भी मेरी बहुत सी वीडियो में दिखाया है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भी दिखाया है। और इसे हम इलास्टिक लगाते हैं। ये देखिए हमारा इलास्टिक लगा लिया है। अब इसमें हम हमारी टॉप स्लाइस ला देंगे। जब हम टॉप स्लाइस लाते हैं तो इसको हम पूरा खींच के चलाते हैं और ऐसे में इसको नीचे से फोल्ड भी कर दो जो सिलाई बची हुई वो लगा दोगे। पहले हम इलास्टिक पे हम टॉप स्लाइस लाएंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे लगाते लग जाएंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। अभी हम तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और हमें नीचे से फोल्ड कर लिया था। और ये देखिए हमारी पॉकेट है और इसमें किसी को थ्रेड नज़र नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।